मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को नवा रायपुर के सेक्टर 19 में 49,50,00,000 की लागत से लगभग 3 एकड़ में बनने वाले नए छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर नए कृषि भवन की आधारशिला रखी और धरती माँ से प्रदेश के धन धान्य से समृद्ध होने और किसानों के खुशहाली की कामना दिल से की। बहुत जगह आए फल रहे, खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे वो सरायपाली तरफ हो, चाहे कटघोरा तरफ हो, चाहे धर्मदेवगढ़ तरफ, कटघोरा नहीं धर्मदेवगढ़, चाहे वो अंबिकापुर की तरफ हो, चाहे बस्तर में हो, सब जगह सब्जी और फल के उत्पादन बढ़े तो कल डिमांड भी बढ़े। और अगले साथ चार पांच साल पहले स्थिति ये रही थी कि बस्तर में सब्जी ज्यादा रूप में, अब उल्टा हो गया, बस्तर की सब्जी बाहर निकल जाती है। तो केवल बताया का मतलब रखते हुए कि हम केवल धाने उत्पादन पर नहीं करा सकते, बल्कि दूसरे दिन हर सब्जी के उत्पादन में बहुत गुणात्मक वृद्धि हो रही। हमारे धंधा क्षेत्र है कि पत्थल गांव क्षेत्र है, टमाटर के मामले में जाने जाते, लेकिन अब उकर और हमारे अवेलेबिलिटी सेल करना है, तीनों दिशा में हमारे आगे बढ़ना है। तो सरकार की ओर से निरंतर ये प्रयास कि किसी किसान मन के जते की उपज है तो सही मूल्य मिल सका, अगर माध्यम मंडी हो। ये साल मंडी में धान बेचा है गर्मी फसल के, मैं भूते न भरो सके, भरोसे में हो कि नहीं उतनी जाना, लेकिन आज तक के कभी आपका धान की कीमत नहीं मिले जो आपका साल मंडी में मिला है। लेकिन केंद्र सरकार को पसंद ही नहीं है किसान धान ज्यादा काबल मिले, तो जिन बाहर जाए गिरी से धान, जिन बाहर चावल बाहर जाए गिरी से जो प्रतिबंध लगा दी, और ये जारी रही हमारे धान के भाव गिरी, यदि विदेश में बिक्री के अनुमति रही तो हमारे धान के भाव उसने बढ़ी, तो किसान का दोनों ऑप्शन रही, हम सोसाइटी में धान बेचे जाए कि मंडी में धान बेचे जाए। अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले गए कहीं गए नहीं है, लेकिन यदि इन्हीं रेट है मंडी में इस साल जैसे गर्मी फसल है कि धान 2200-2400 रुपये तक गए, समर्थन मूल्य 2100 रुपया है, तो किसान कहां पर 2100 रुपये में से 2400 रुपये में बेचे। लेकिन भारत सरकार जैसे अभी चावल लकड़ी ना 86 लाख मीट्रिक टन पहले अनुमति दे दी, अभी बिना कहीं कोई कारण के 61 लाख मीट्रिक टन कर दी, जबकि एक साल हम कहे कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद लो, पिछले साल 15 क्विंटल के हिसाब से खरीद 107 लाख मीट्रिक टन हुई, और ये साल उसके चरण में कहा हुई तब हमारा धान है 125-30 लाख मीट्रिक टन से कम नहीं है, और 125-30 लाख मीट्रिक टन के यदि चावल बनावो तो 86 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से होते। लेकिन केंद्र सरकार ने सुहावे नहीं करे छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ सरकार अब 61 लाख कर दे, मतलब हमने वो 80-85 लाख मीट्रिक टन जो धान है टिकर निराकरण हुई, हम धान खरीदते हम अशोक चावल खरीदते नहीं खरीदे तो हम मार्केट में बेच देते, लेकिन किसान घाटा नहीं हमने। तो अभी फिर से ही बुता और बायोमेट्रिक्स ले आए, अरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया धान खरीदी व्यवस्था कौन है तो केवल छत्तीसगढ़ में, तो भाई में किसने है, अरे किसान के अभी खेत के कृषि विभाग भी चेक करे थे, राजस्व विभाग भी चेक करे थे, सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन होते, आधार से लिंक होते, बैंक से लिंक होते, अतिक्रम प्रक्रिया हो यह बायोविधि, और हर साल हम धान साल दर साल धान वन खरीदा था, कोई गड़बड़ी नहीं आते। अब बायोमेट्रिक्स लाख का कर देते हैं, मतलब जेन किसान है रायपुर में है अगर जमीन है तो बलोदा बाजार में करो और रोज जाए लगे बायोमेट्रिक्स लगाए गए, अगर खाता तो कैसे गए, कोई नगद तो लेते नहीं है, यहां तो ऐसे है कि